मुखिया गुरमीत राम रहीम को जब 25 अगस्त को कोर्ट ने 15 साल पुराने रेप केस में दोषी ठहराया तो उनके लाखों समर्थक हरियाणा की सड़कों पर उत्पात मचाने लगे। इसके कुछ ही घंटों बाद कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया। वहां पर जितनी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा था, कोर्ट ने कहा कि इस सारे नुकसान की भरपाई गुरमीत राम रहीम की संपत्ति को जब्त करके ही की जाएगी। जब कोर्ट का ये आदेश आया तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि आखिर गुरमीत राम रहीम के पास कितनी संपत्ति है। जब हमने इसके बारे में पड़ताल की तो हमको बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे मिले, क्योंकि 1990 में डेरा के मुखिया बनने के बाद से इस डेरे की संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ी है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आइए सबसे पहले आपको इनकी एक तस्वीर दिखाते हैं गुरमीत राम रहीम की। इस तस्वीर में आप इनको एक मॉडिफाइड कार के साथ देख रहे हैं और बगल में इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो MSG के नाम से मार्केट में बिकते हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो 3 साल पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा की प्रतिदिन की आय करीब 16,44,833 रुपए थी, यानी हर रोज डेरे के खाते में 16 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति आती थी। देश भर में डेरा सच्चा सौदा के 46 आश्रम हैं। सिरसा में जो डेरा है वो पिछले 65 सालों से चल रहा है और वहां पे 700 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE और ब्रिटेन समेत दुनिया भर में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम हैं और 5 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। इनमें से 25 लाख अनुयायी अकेले हरियाणा से आते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरा की रोज की आय 16-17 लाख रुपए है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा को इनकम टैक्स 1961 के नियम 10 के तहत टैक्स देने से छूट मिली हुई है। 2012-13 में जनसत्ता की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि डेरा की आय 29 करोड़ रुपए सालाना है। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनाई थी जिसमें बाबा 96 नंबर पर थे। जानकार मानते हैं कि गुरमीत राम रहीम हर साल कई 100 करोड़ रुपए कमाते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और अगर इसको किनारे भी रख दें, क्योंकि वो चूंकि सीधे सीधे पैसा नहीं लेते हैं इसलिए उनकी आय के बारे में कई तरह की अफवाहें भी हैं, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एक किनारे भी रख दें तो 2015 से ये फिल्में बना रहे हैं और इनकी फिल्में जाहिर तौर पर सबके सामने कई 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती हैं। सिरसा वाला आश्रम जो 700 एकड़ में बना हुआ है, इसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। 2 पेट्रोल पंप हैं, मॉडिफाइड कारों का एक स्टूडियो है, बैटरी से चलने वाली ढेर सारी कारें हैं और पानी के बीच घूमने वाला एक रेस्टोरेंट है। आश्रम में 15-20 हजार लोगों के रहने खाने का इंतजाम है। बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया जाता है, सब्जी वगैरह सब अंदर ही उगाई जाती है। कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक आश्रम के अंदर बड़ी सी वॉशिंग मशीन है जिनमें 10-15 हजार कपड़े एक साथ धुलते हैं। बाबा का एक चैनल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी है जिसमें 24 घंटे सब कुछ मॉनिटर किया जाता है और कम से कम 100 वॉकी टॉकी वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हर समय तैनात रहते हैं। रामदेव की देखा देखी में 2016 में बाबा ने अपने MSG फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जो देश के 150 स्टोर में एक साथ बिकने शुरू हुए थे। अब बताया जाता है कि कई दूसरी कंपनियों के साथ टाई अप करके इन स्टोर्स की संख्या 500 के ऊपर पहुंच चुकी है। TV पर इनके ऐड वगैरह भी आते हैं, इनके भक्त दूसरों को समझाते हैं कि वो सिर्फ बाबा के प्रोडक्ट ही खरीदें। MSG के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में ढेर सारे स्टोर्स हैं जहां बिकने वाली चीज़ों में दाल, अनाज, चावल, आटा, देसी घी, मसाले वगैरह शामिल हैं। बाबा का खुद का ऐसा दावा है कि फिल्मों के चक्कर में वो अपने इस बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाए, फिर भी इसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। बाबा का एक दावा यह भी है कि उनके पास भारत सरकार से बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। बाबा ने फोर्स अपने गुरु शाह सतनाम सिंह के नाम पर बनाई थी। दावा है कि इसके पास 70,000 डॉक्टर हैं। कोलकाता की आग हो, जालंधर की फैक्ट्री का एक्सीडेंट हो या फिर उत्तराखंड की बाढ़, ये फोर्स सबको संभाल सकती है। रोचक बात यह है कि जो शख्स इतना बड़ा मैनेजमेंट फोर्स होने का दावा करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का दावा करता है, उसी के समर्थक एक राज्य में इतनी आग लगा देते हैं कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। राम रहीम के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं जिनमें से 16 फोर्ड एंडीवर बताई जाती हैं, और बताते हैं कि इन पर ना तो कोई नंबर होता है ना कोई नंबर प्लेट। जहां भी ये जाते हैं वहां पर इनकी गाड़ियां टेंट से ढक दी जाती हैं। चलते समय राम रहीम खुद तय करते हैं कि वो किस गाड़ी में बैठेंगे, उनके बैठने के बाद ही गाड़ियों के आसपास से टेंट हटाया जाता है। राजस्थान के श्री गंगानगर में, जो गुरमीत सिंह राम रहीम की पैदाइश वाली जगह है, वहां पर डेरे का 175 बिस्तरों वाला एक हॉस्पिटल भी है। डेरे की जमीन और संपत्ति का रखरखाव एक ट्रस्ट करता है जिसके मुखिया राम रहीम खुद हैं। आपके सामने जो अभी तस्वीर है वो उसी हॉस्पिटल की है।
तो ये है बाबा राम रहीम की संपत्ति का हिसाब किताब, जो कि अभी तक पूरा नहीं है। हो सकता है कि जितना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके अलावा भी बाबा की ढेर सारी संपत्ति हो। हाईकोर्ट का सीधा आदेश है कि हरियाणा का जितना नुकसान हुआ है, सरकार का जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इस संपत्ति से ही की जाएगी।